धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू द्वारा आगामी 10 दिनों में धर्मशाला व आसपास के क्षेत्रों में 2000 कुत्तों को रेस्क्यू किया जाएगा। इसके लिए धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू संस्था द्वारा इसके लिए दो टीमें बनाई गई हैं। दोनों टीमों के सदस्य विभिन्न स्थानों पर जाकर कुत्तों को रैबिज से बचाव हेतु वैक्सीनेट कर रहे हैं। धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू की डायरेक्टर प्रतिभा राणा ने बताया कि हर वर्ष उनकी संस्था द्वारा अभियान चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि टीम सदस्यों द्वारा अभियान के तहत 12 बजे तक 120 से अधिक कुत्तों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। कोतवाली बाजार से आरंभ होकर यह अभियान पहले दिन विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया। प्रतिभा ने बताया कि वक्त के साथ लोगों को रैबिज के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। जिस कुत्ते को वैक्सीनेटर किया जा रहा है उसे पीले रंग का निशान लगाया जा रहा है जिससे उसकी पहचान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 तक धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू किया है, उसके तहत धर्मशाला में कोतवाली बाजार से सकोह और योल और खनियारा तक 4200 के करीब कुत्ते हैं। DRNA इन एरिया में प्रवेश वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य तय किया है। सर, ये एक कैंपेन है, हमारा एनुअल वैक्सीनेशन कैंपेन है और अगले 10 दिन तक चलेगा। आज से शुरू होकर आज विश्व रेबीज दिवस है, उसमें हम शुरू करेंगे और अगले 10 दिन तक कैंपेन चलेगा। सर, इसमें हमारा एम है पूरा धर्मशाला जो है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें धर्मशाला MC जो है वो मेन रहेगा, पर क्योंकि हम पंचायत एरिया में आते हैं, हमारा रक्कड़ में है बेस, इसलिए हम उधर के सराउंडिंग भी पूरा धर्मशाला ही कवर करेंगे। डिस्पाइट टू MC एरिया में आ रहा है या नहीं, क्योंकि जी सर फिक्स होता है। जैसे अब हमारी दो टीम सुबह से बाहर हैं, तो हमारा टारगेट है इस साल 2000 कुत्ते को वैक्सीनेट करना। सर, अभी हमारी दो टीम सुबह से बाहर हैं, तो हम 120 से ऊपर कुत्ते को जो है अभी तक वैक्सीनेट कर चुके हैं और हम अभी शाम तक हम उसको यही करने वाले हैं पूरा दिन के लिए। हम ये सर जो कैंप है वो स्पेसिफिकली चलेगा और 10 दिन तक चलेगा, बट अदरवाइज जो है जो रेस्क्यू हम लेते हैं उसमें हम पूरा साल जो है वो कुत्तों को टीकाकरण करते हैं। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।